पहला शौक था पढ़ने का, पढ़ने से लिखने का शौक हुआ। मैं बचपन में बच्चों की कहानियां पढ़ता था, कल लिखा कहीं लगता है तो छपता है तो आपको खुशी होती है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि यार आप हम लिख सकते हैं। रहमान साहब ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिसको अपवा के नाम से शोहरत मिली, हुकूमत के तो खैर सरपरस्ती नहीं है, ना होने के बराबर है, बल्कि आप कह लेंगे सिफर है। बस लिखने वाले हैं वो, पढ़ते नहीं हैं वो, सिर्फ लिखते हैं। हम तो जब लिखते थे वो पढ़ते थे, पढ़ के फिर लिखते थे। ये लिखना जो है ना रहमान भाई, ये खुदा दाद सलाहियत है। तो वो जिसने लिखा होता है ना रहमान भाई, उसने खुद दोबारा पढ़ा भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो इंतहाई काबिले एहतराम हैं, ऑल पाकिस्तान राइटर वेलफेयर एसोसिएशन के बानी भी हैं और इसके सदर भी हैं। इसके साथ साथ ये बेशुमार कॉलम्स अब तक लिख चुके हैं और इनकी जो किताब है जिसमें सुर्ख मोहब्बत, वो एक इनकी अब तक की बहुत कामयाब तरीन किताब है और बेस्ट सेलिंग बुक्स में से है। इसके साथ साथ इन्होंने बेशुमार किताबें और भी लिखी जिसमें सदाए हक जो इनके कॉलम्स का एक मजमूआ है, और इसके अलावा सहरा की स्याह रात, ये भी इसमें शामिल हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि एक राइटर के पास जो एक ऑब्जर्वेशन की पावर होती है, जो अल्लाह ताला ने उसे एक सलाहियत दी होती है कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और अपनी ऑब्ज़र्वेशन को फिर जब वो अल्फाज की शक्ल देता है और उन अल्फाज को जब एक रीडर या जो पढ़ने वाला पढ़ता है तो फिर वो उस चीज़ को अपने ऊपर महसूस करता है और उस महसूस की वजह से उसका पढ़ने में और नावल पढ़ने में, कॉलम्स पढ़ने में जो एक दिलचस्पी डेवलप होती है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है उस राइटर की ऑब्ज़र्वेशन से कि वो माशरे के मामलात को, चीज़ों को किस तरह देखता है, सोचता है, समझता है। तो ये सलाहियत ऑब्ज़र्वेशन की इंसान के अंदर कैसे आती है, ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम अली रहमान साहब। सर, आपका नाम मोहम्मद अली है और आपका जो राइटिंग नेम है वो एमएम अली है। मुझे ये बताइएगा कि आपने लिखने का आगाज़, या यूं कह लूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आपकी दिलचस्पी, आपका शगफ कब लिखने में डेवलप हुआ, आपको कब महसूस हुआ कि मैंने लिखना है और लिख के अपने जज्बात को, अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना है? अरे मान साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और कासम रिशा फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे अजा मधु किया और अपने ख्याल का इजहार करने का मौका दिया। लिखने का शौक़ तो मुझे पहला शौक़ था पढ़ने का, पढ़ने से लिखने का शौक़ हुआ। मैं बचपन में बच्चों की कहानियाँ पढ़ता था, उसके बाद हमारे घर में वो रिसाला आता था तालीम तरबियत, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता था कि अगर आप ये लिखना चाहते हैं या लिख सकते हैं तो उस पर भेजें। शुरू में मैंने हाथ से लिखी, उसमें कहानियाँ भेजी एक दो और वो लगे। जब सारी बात एक आपका लिखा कहीं लगता है तो छपता है तो आपको खुशी होती है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि यार आप हम लिख सकते हैं। तो स्टार्ट तो यहाँ से किया, लेकिन चूँकि उसमें तालीम भी थी तो ये चीज़ें बाद में रुक गई। 2002 में फिर मैं आर्टिकल की तरफ गया, मैंने 2002 में पहला कॉलम लिखा, पॉलिटिकल था, शुरू से पॉलिटिकल हवाले से लिखने का शौक़ भी रहा, लेकिन उसके बाद में वो सिलसिला उस तरह जो है ना वो मैं जारी नहीं रख सका। 2010 में मैंने प्रॉपर जो है ना सताए हक का एक लोगो बनाया और उस सताए हक के अनुमान से फिर आर्टिकल लिखने शुरू किए। सही, उसके बाद फिर सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे। सर, आपके जो ज़्यादातर कॉलम्स हैं, जैसे आपने बताया पॉलिटिकल मौजूदात पर लिखे, इसके अलावा आपने किन चीज़ों पर ज़्यादा लिखा? इसके अलावा मैंने सोशल इश्यूज़ पे बहुत लिखा, मजहबी इश्यूज़ पे भी लिखता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा फोकस रहा वो सियासी मौजूदात और सोशल जो इश्यूज़ हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस किया मैंने। सर, आपको कितने कॉलम्स के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अब इनको एक किताब की शक्ल देनी चाहिए और फिर सदाए हक की तरफ आप गए? उस वक्त मेरे तकरीबन 200 कॉलम जो थे वो शाया हो चुके थे। फिर मैं से मैंने शार्ट लिस्ट किए, मैं समझता था कि जो ज़रूरी हैं या जो सदाबहार कॉलम हैं जो जब भी पढ़े जाएंगे वो तब उस वक़्त के लिहाज से महसूस होंगे, उन पर मुश्तमिल। फिर मैंने उसको 10 बाब दिए एक किताब के अंदर, यानी हर बाब में उस बाब के लिहाज से जो आर्टिकल्स हैं वो शामिल किए। ये टोटल 10 बाबों पर एक दरसी टाइप किताब है सदाए हक।
सर, एक ज़माना ऐसा था जब लोग जो है वो हॉरर डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, हॉरर बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। आपने लिखा भी डर डाइजेस्ट के नाम से, और इसके साथ साथ सेहरा की स्याह मोहब्बत, ये भी उसी की आगे एक जो है कंटिन्यूटी है। तो ये हॉरर लिखने का जो है वो ख्याल कब और कैसे आया, कहाँ से जिसे कह लें कि आपने एक उम्मीद ली, कहाँ से आपने इंस्पायरेशन ली और फिर हॉरर लिखना शुरू किया? अले नमान साहब, मैंने आपको बताया कि पढ़ने का शौक़, स्टोरीज़ वगैरह पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से था। तो जब मैं देखता था कि स्टॉल पे जाता, अखबार के स्टॉल पे, अखबार में मैं शौक़ से पढ़ता, तो वहाँ पे ना डाइजेस्ट पढ़े होते थे, ख़वातीन, शुआ, ये वो। तो मैंने कहा यार, ये तो सारे ख़वातीन के डाइजेस्ट हैं ना, फीमेल के पढ़ने वाले हैं, मेल्स का तो कोई भी डाइजेस्ट नहीं है इस तरह का जिसको हम पढ़ा जाए। फिर वहाँ पर मुझे एक डाइजेस्ट नज़र आता था, खौफनाक डाइजेस्ट। वो तो बंद हो गया, तो नहीं छपता, लेकिन उस वक़्त खौफनाक, तो मैं वो ले लेता था। तो वो मैं उसको फिर पढ़ता, और इस तरह मेरा थोड़ा सा ना उस तरफ शौक हुआ हारज की तरफ, पढ़ते पढ़ते फिर मैंने उस पर लिखना भी शुरू कर दिया। और फिर मैंने जो किताब है सहरा की स्यारात, वो भी हारज स्टोरीज पे, उसके बाद मैंने डर में भी लिखा, लेकिन डर में मैंने बहुत कम लिखा, डर डाइजेस्ट में। तो फिर मैंने जो है ना, हालांकि अभी भी मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप लिखें इस तरफ, हॉरर की तरफ जो है मज़ीद लिखें, लेकिन फ़िलहाल मैं हॉरर लिख नहीं रहा। लेकिन मेरी किताब सहरा की स्यारात जो है वो हॉरर स्टोरीज पर है। सर, आपकी 2021 में एक किताब आई थी सुर्ख मोहब्बत के नाम से, जिसने अदबी दुनिया में एक तहलका मचा दिया और अपना एक जुदा गाना मकाम कायम किया। सर, उस किताब में क्या ऐसा था जो आपको लगता है, क्योंकि रोमानवी कहानियां बहुत हैं और इस तरह की स्टोरीज बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन उस किताब में एक ख़ास बात क्या थी? सर, उसमें एक ख़ास बात ये थी कि ये एक फौजी जवान था जिसको स्टार्ट में फ़ौज से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो फ़ौज को कोई अच्छा नहीं समझता, हालांकि उसके वालिद साहब फ़ौज में थे, लेकिन वो समझता था कि नहीं यार, ये चीज़ कुछ और करना है मैंने, हाँ मैंने कुछ और करना, मैंने कहीं और सेटल होना। फिर उसके ज़िंदगी में एक लड़की आती कॉलेज में, वो सिंपल सी लड़की होती है, सहरा में रहने वाली वो होती है। वो चीज़ें जब आस्ता आस्ता होती हैं, मिलती हैं, तो वो फिर उसका रुझान, फिर जो वाक्या हुआ पेशावर का वो हो जाता है, बच्चों का जो अटैक हुआ APS का, वो चीज़ें मिला के उसको फिर मोटिवेट करती आर्मी की तरफ जाने, फिर वो आर्मी में ज्वाइन करता, उसकी उस लड़के से शादी भी होती है, फिर वो एक माज पे शहीद भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रा डिफरेंट थी, ये चीज़ें पहले इस तरह की जो है ना चीज़ों को नहीं लिखा गया था। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी थी बेसिकली, लेकिन उसको एक दे के अपना जो अल्फाज दे के उसको एक नावल मैंने बनाया। बिल्कुल ऐसे है सर, और APS वाला तो वाकया एक ऐसा वाकया है कि वो जब भी इंसान उसके बारे में सोचता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इतना दर्दनाक वाकया था, और जिस तरह से वो बच्चों को शहीद किया गया, अल्लाह ताला, अभी भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके माँ बाप को और जो उनके घर वाले हैं उनको सब्र अता फरमाए। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल आए होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी शायद उस सदमे में होंगे। ये सदमा ऐसा है कि इससे आप निकल, सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकते ना। औलाद का सदमा जो ऐसा होता है कि वो वालदैन जो है वो कभी भी नहीं निकल सकते। बिल्कुल ऐसे हम तसल्ली वगैरह तो दे सकते हैं उनको, लेकिन वो जो दर्द, जो तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं तब से लेके अब तक, वो तो वही जानते। सर, आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है आपकी, ऑल पाकिस्तान राइटर वेलफेयर एसोसिएशन, ये अभी करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और ये किस तरह अदब की तरवीजो इशात में अपना किरदार अदा कर रही है? रहमान साहब, ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको APWWA के नाम से शोहरत मिली, इसकी बुनियाद मैंने कोई आज से 5-6 साल पहले दोस्तों के साथ, चंद दोस्तों के साथ मिल कर रखी थी, और फिर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था जो बढ़ता बढ़ता इसको फिर अब मुल्क से बाहर भी चला गया, पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान के ये वाहिद अदबी तंजीम है जो तमाम लिखने वालों के नुमाइंदगी कर रही है, इसमें सहाफ़ी भी हैं, इसमें कॉलम निगार भी हैं, इसमें ड्रामा निगार भी हैं, इसमें अफसाना निगार भी हैं, इसमें नावल निगार भी हैं, इसमें हॉरर लिखने वाले भी हैं। तो इस हवाले से ये 5-6 साल से काम कर रही है, मुख्तलिफ हमारी तकरीबात होती हैं, बिलखसूस जो सालाना हमारी एक वर्कशॉप हम रखते हैं,
जिसमें हम बड़े बड़े जो राइटर्स हैं या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जैसे कसमली शाह साहब पहले भी जो हुई शाह साहब तशरीफ लाते रहे हैं, मुझे रहमान शामिल साहब हैं और या मकबूल जान साहब हैं, शाह आरफ साहब हैं, जो खलील रहमान कमर साहब हैं, इस तरह के जो हैं नाम हैं वो सैम अक्रम चौधरी साहब जो आजकल बड़े फेमस हैं ड्रामा राइटिंग के हवाले से, वो तशरीफ लाती हैं। तो इसमें हर जो वो तारिक बलोच सराय साहब अफसाना ने वो तशरीफ लाते, तो हमारा मकसद ये होता है कि जो दूर दराज से लोग इन सीनियर लोगों से मिल नहीं पाते, जो डेरा गाजी खान में बैठा है, जो क्वेटा में बैठा है, के पी के में क्वार्ट में बैठे, उनको एक फिर वहाँ से ये लोग आते हैं यहाँ पे और इनकी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सीनियर से मुलाकात हो जाती है, उनसे खा उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, गपशप होती है, उनसे सीखते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं। सर, आप जब लिखने की फील्ड में आए आपको क्या मुश्किल लगी और आपको क्या महसूस हुआ कि कहाँ पे कमी है या किन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए हुकूमत की तरफ से या एक आम जो लोग इस फील्ड में आते हैं उनकी तरफ से क्या गलतियाँ होती हैं, क्या कमियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से वो राइटिंग की फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाते? रहमान भाई, जो है ना हुकूमत की तो खैर सरपरस्ती नहीं है, ना होने के बराबर है, बल्कि आप कह लेंगे सिफर है इस हवाले से कि अगर वो को लिखने के हवाले से। तो मसला ये यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अगर आप लिख लेते हैं ना तो फिर आपको जो अगला होता है उसको शाया कैसे करवाया जाए या पब्लिश कैसे हो। अब तो खैर बहुत सारे अखबार आ गए, बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स आ गए, जब मैंने लिखना शुरू किया तब गिने चुने अखबार होते थे, वो ऑनलाइन साइट्स का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त, ये कोई बहुत ही वेबसाइट वगैरह। अब जो नए लिखने वाले हैं, अब वो बस लिखने वाले हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ लिखते हैं। हम तो जब लिखते थे वो पढ़ते थे, पढ़ के फिर लिखते थे। अब वो ज़्यादातर जो चीज़ें मेरे सामने आती हैं, खासकर ये जो नए लिखने वाले आजकल, वो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल से चीज़ें ली हैं और बस उन्हीं को जोड़ तोड़ के वो अच्छा लिख रहे हैं कई लोग, लेकिन ज़्यादातर अब जो चीज़ नज़र से गुजर रही है ना वो यही गुजर रही है। और हमारा जो वर्कशॉप करवाने का मकसद होता है ना वो भी यही होता है कि लोग जो हैं वो सिर्फ गूगल का सहारा ना लें, मामूली तौर पर चीज़ों को देखें, पढ़ें और फिर देखें। अगर ये लिखना जो है ना लेमा भाई, ये खुदादाद सलाहियत है, बिल्कुल ऐसे आप किसी को लिखना सिखा नहीं सकते। हाँ, उसमें वो कर सकते हैं आप, नोक पलक संवार हाँ जी वो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप सिखा नहीं सकते। आप उसके नोक पलक संवार सकते हैं, सही, उसको तहरीर में बेहतरी लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अब उसको सर, जो आने वाले लोग हैं, कोई ऐसा मशवरा, कोई दो या तीन बातें ऐसी जो आप न्यू राइटर्स को बताना चाहें या उनसे कहना चाहें, वो क्या होंगे? जो मैं हर जगह पे यही बात कहता हूँ कि वो लिखने से पहले पढ़ें, ठीक है, अगर वो पढ़ेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है उनकी लिखाई में निखार आएगा। अगर वो पढ़े बगैर, अब मेरे पास ना कई आर्टिकल्स या कई कहानियाँ ये आती हैं, कहें भाई ये ज़रा इसकी तस्सीह कर दें या इसको देख दें, तो वो जिसने लिखा होता है ना रहमान भाई, उसने खुद दोबारा पढ़ा भी नहीं होता, यानी वो सिर्फ लिखते हैं और भेज देते हैं। उनका होता है कि भाई ये शाया हो जाए, कहीं छप जाए, हमारी तस्वीर आ जाए, हमारा नाम आ जाए। ये चीज़ों को नए लिखने वालों को सोचना चाहिए कि जो तहरीर लिखते हैं कम अज़ कम उसको, जब मैं आर्टिकल लिखता था तो मैं 4 या 5 दिन बाद आर्टिकल भेजता, करंट अफेयर पर लिखता था वो तो चलो मजबूरी होती थी, फ़ौरन भेजना था होता था, अदरवाइज उसको मैं 4-5 दिन बाद भेजता था, उसको मैं 3-4 दिन पढ़ता था बार बार, और जब भी पढ़ता था उसमें कोई चीज़ या तो ऐड करनी पड़ती थी तो या उसमें से कोई चीज़ निकालनी पड़ती थी। तो ये चीज़ है जो नए लिखने वाले, मेरा मशवरा हमेशा उनके लिए यही रहा है कि वो पढ़ें, जितना वो पढ़ेंगे उतना उनका लिखने में जो है ना निखार आएगा और उनका लिखा हुआ जो है वो सर्वे करेगा। अब गूगल तो हर किसी के एक्सेस में, अगर गूगल से ही लेके आपने लिखना तो गूगल करके तो कोई भी देख सकता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, कासिम अली शाह साहब का जो काम है और उनका जो एक अदब से उनकी मोहब्बत भी है और वो अदीब जो हजरात हैं उनको बड़ी इज़्ज़त भी देते हैं, उनको बड़ी तकरीम करते हैं, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब तो पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से बाहर भी इनका नेटवर्क है, वो तो एक मिसाली काम है ना।
इनका जो इनसे दरीना तलक भी है, हमारे ये वर्कशॉप्स पे, हमारे इवेंट्स पे ये तशरीफ बुलाते हैं, हम भी कई बार इनके पास यहाँ पे आए, दस्ते शफ को रखते हैं। तो इन जैसे शख्सियत जो है वो तो मिसाली है जो ये काम कर रहे हैं, और जितने लोग इन्होंने ट्रेन करके भेजे हैं वो आगे जो काम कर रहे हैं, ये तो इनका काम तो सदियों याद रहेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत यानी मोटिवेट लोगों को, जिस तरह इनका अंदाज है गुफ्तगू करने का, बातें दिल में असर करती हैं इनकी। वैसे तो नहीं ना लोग कासिम अली शाह साहब की तरफ खींच चले आते, कुछ तो है ना कि वो लोग उनको उनसे पूछ। देखिए आप उनको मोटिवेशनल स्पीकिंग में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो सुने जाने वाले जो हैं वो कासिम अली शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ख़ास तौर पे जो बात इन्होंने की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको लिखने का शौक़ है, वो चाहते हैं कि हमारी राइटिंग्स, हमारे हमारे जो कॉलम्स हैं वो अखबार में छपें या किसी मैगज़ीन में छपें, वो उसको पढ़ते नहीं, उस पर मेहनत नहीं करते, उसकी गलतियों को ख़ुद दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर वो लोग उसको वक्त दें, प्रॉपर टाइम दें और 2 से 3 दफ़ा उसको रीड करें, फिर उसके बाद किसी से उसकी तस्दीक करवाएं, तो वो यकीनन कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।